मिट्टू राधे राधे। ये देखो ये सब पहले फोटो फोटो खिंचाने लग गए। डांस ये सच्ची में जागृत हो जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं कोटा में ही रुकी हुई हूँ। देखो ये आ गई है चाय लेकर आज हमारे कमरे में, रूम नंबर फाइव रूम नंबर फाइव दे रखा है इन्होंने हमें। चलो दिखाती हूँ, और अपने एक और सदस्य को लेके आती है, उससे भी ये बैठा है। मिट्टू राधे राधे कर दो, राधे राधे करो। अच्छा हमको सिखा रिया है मिट्टू राधे राधे। ये देखो ये चाय लेके ऊपर ही आ गई है। हाँ। बस हाँ करना आता इसको, नहीं ऐसे नहीं। चलो ले ले चाय पी ले, ले लटे निकाल दी उसने, बता दो ये ले चाय पी ले, ले ले चाय पी ले, पी लेगा कोई मासी पासी नहीं है। राधे राधे। चलो चाय पी लेते हैं। ये देखिए भाई इनके घर में कितने पौधे लगे रखे हुए हैं, और ये एक बैंगन एक बैंगन है, ये गुलाड़ है, इससे फूल तो आ नहीं रहे। ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है, छोटे छोटे चेरी टमाटो से, चेरी टमाटो। हाँ, और ये तो सफेद आंकड़े का है, आंकड़े क्या होते हैं। और सामने है आंवले का, और देखो ये छत पे चढ़ के कहाँ जा रही है। लंच लंच बन गया है, चाहिए तेरे को लंच? मिट्टू खाने खा, पता है पता है नाली अपने आप, पता है मुझे तभी सुखाने गए थे इसको, गीला हो गया ठंड में, कांप रहा था, फिर मैं गई तो तैयार हो गया जी लंच। ये लग गए पहले सैलेड काट मत, ये देखो आज कहाँ बैठ गया। आजा मिट्टू आजा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, करण ले तू मार रहा है, ये खूब एंटरटेनमेंट है भाई, गालियां दे रहा अपनी भाषा में भाई, यहाँ से कुशन पे आ गया। हाँ मीटू क्या किया भैया, कुछ नहीं किया, चल खाना खाएंगे, चल खाना खाना खाएंगे। मानसी के पास गए, मानसी तेरे को तो बड़बड़ाता ही रहेगा, तू अच्छी नहीं है। अच्छी मैं मिट्टू, सॉरी 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 सॉरी, दूँ दूँ ले लो मुझे, ले लो पापा पे जाओ, चल उसको बाहर में खिला, तू जल्दी चला आ, मेरे पे नहीं आ। चलो जी लंच कर लो पहले, देखो चल रोटी आ रही है, जब तक चावल वावल तो पीछे से चेन निकाल रहा है। सब पता है घूमने जा रहे थे लेकिन कल सब इतने थक गए, आज सबका मन हुआ अभी थोड़ी देर आराम कर लो, तो 3 बजे जाएंगे। आज हम जाएंगे घूमने रिवर फ्रंट जो अभी नया नया बना है कोटा में। चलो देखते हैं, अभी थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलते हैं। चलो जी, सो अब हम सब सो सो के उठ गए, अब हम कहाँ जा रहे हैं, रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट जो अभी यहाँ नया बना है, और देखते हैं इनमें से भी कुछ लोगों ने नहीं देखा। अब सब ने नहीं देखा। अच्छा आपने भी देखा? नहीं, ये वाला एक साइड का देखा, ईस्ट साइड देखा। चलो जी, चलो देखो सब तैयार होके खड़े हैं, अब हम सब निकलते हैं। ये नहीं तैयार हुआ अभी, वो हमारे कहाँ गए। Thank you.
अभी हम लोग आ गए हैं रिवर फ्रंट पे, ईस्ट साइड। ईस्ट साइड है ना ये, अब अंदर घुसते हैं। ये पार्किंग एरिया है, वो कितना बड़ा पार्किंग एरिया बनाया है इधर, एक ही साइड है ये। तीन तीन किलोमीटर की दो साइड है इसमें, नहीं दो नहीं है, कितनी साइड है यहाँ पे। ये जो पार्किंग एरिया है वो नदी के ऊपर बना दिया है। हाँ, नदी के, नदी अंदर है इसके, इसके नीचे नदी है। अच्छा, देखो भाई पूरा पानी था, ये पार्किंग एरिया पूरा नदी के ऊपर है, चंबल के, चंबल के ऊपर है ना। हाँ, चंबल। और ये रिवर फ्रंट भी उसी के ऊपर है। हाँ, उसी के ऊपर बनाया, पूरा नदी को छोटा कर दिया। हाँ, नदी को छोटा करके बनाया है ये। बड़ा टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा इसमें? इसको लग गए 2-3 साल लग गए, 2-3 साल बनाने में, लेकिन बनाया बहुत सुंदर है। चलिए अंदर से दिखाते हैं अब कैसा लगता है। इसके ऊपर ना ब्रिज बना हुआ है जो सामने दिख रहा है ना, सारे व्हीकल उधर से निकलते हैं, क्योंकि नदी को छोटा करके बनाया है ये। और ये सामने कौन है, गरुड़ देवता से क्या है वैसे ही बना रखा है, CRF लिख रहा है इससे। अच्छा, तुम ही करोगे मुंह फाड़ के? हाँ, सब लोग फोटो करा रहे हैं, हम भी कराते हैं जी यहाँ फोटो। चलिए, ग्रुप टिकट काउंटर है ये। लेने गए टिकट, अभी हम इंतजार कर रहे हैं टिकट का। कितने, 200 रुपए की टिकट है, 200 रुपए की टिकट है। स्टूडेंट को छूट है, तो जो हमारे स्टूडेंट है ना वो अपना आईडी कार्ड ही नहीं लाए, लाते तो मिल जाती। 100 रुपए लगेंगे अगर आप बच्चे अपना आईडी कार्ड लेकर आए तो। अभी तो हम 200 रुपए की लेके अंदर जाएंगे। ज्यादा टिकट है, स्टार्टिंग में 2 महीना फ्री था। ये फोटो वाला से कहो कि ये फ्री कराए हमारे लिए फ्री नहीं है क्या कर रहे हैं। एंट्री की लाइन है, ये देखिए कितनी बड़ी एंट्री की लाइन लगी हुई है ये देखो हमारे बंदे सारे ये एक स्टूडेंट है, एक तो नौकरी कर रही है हमारी आगे वाली यहाँ पे कर रहे हैं टिकट चेक। ये देखिए भाई अंदर से, वाओ ब्यूटीफुल। ये पानी का एक बह रहा है इतना, ये मूर्ति जो है पीछे से दिख रही है, अभी आगे से दिखाएंगे। चंबल माता की मूर्ति है ये VIP है वो उधर जो दूर दिख रहा है वो फोर्ट है ना, वो फोर्ट है। ये कौन सा फोर्ट है भाभी, वो वाला कौन सा फोर्ट है? गढ़ पैलेस था। अच्छा, गढ़ पैलेस, गढ़ पैलेस। ये सामने क्या है, ये बताओ गाइड, ये सामने क्या है? मेन गेट है ये गेट नहीं है, ये कुछ और है। अरे भाभी कपड़े पहन लो, ठंड हो गई भाई, हवा चल रही है यहाँ तो अंदर। सब फोटो खिंचाने में बिजी है पेड़ पे, हम भी खिंचाएंगे, हमारे भी खींचो। ये देखो भाई फोटो यहाँ खिंचा रहे हैं। ये जो महल है इसकी रानी आए हैं दोनों, क्वीन क्वीन विक्टोरिया लग रही है, क्वीन विक्टोरिया। काश ये महल इनका होता, ये बोल रहे भाई। क्या बोला तूने? ये देखो जी पास से वो आर्मी वाले गोल, हॉर्स राइडिंग गोल। कहूंगी मैं तो, पर्स नहीं लोगी तो। इसके अंदर ना म्यूजियम है, चलो देखते हैं म्यूजियम। ठीक है, मुकुट महल म्यूजियम।
यहाँ कराते हैं जी फोटो सेशन, देखो कितना बढ़िया है। ए तू मेरा वो एप्पल के फोन से खींच। ये भी आनी चाहिए। इसको पकड़ती क्यों, गिरोगी थोड़ी पीछे कहीं जा। यहाँ के जो घर है ना आजू बाजू के, उनका सबका एक्सटीरियर चेंज हुआ है पता है। अच्छा, वो मैच करने के लिए सबका। अच्छा ये घर है लोगों के, लोगों के घर थे उनका पूरा एक्सटीरियर चेंज भाई इनका सही है। बैठे बैठे आराम से फाउंटेन शो देखते होंगे। ये सारे मजदूर है ना, हाँ, समर्पित उन कारीगरों को जिनकी मेहनत से चंबल रिवर फ्रंट गुलजार रहे। अच्छा, ये सब मजदूरों को समर्पित करने के लिए बनाया स्टैच्यू। अब यहाँ से जाएंगी जी आगे। हाँ असली पेड़ है। सीढ़ियों से चढ़ के हमने जा रहे इससे, हमें तो डर लग रहा गिर जाएंगे सब पेड़ों पे, घंटों बर्बाद हो जाते। चलो 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 अभी तो आएंगे नेहरू जी, ऐसी जगह है हर जगह लग रहा है। फोटो खिंचा लो, फोटो खिंचा लो। नेहरू जी की आंख में ना देखना चंबल रिवर फ्रंट। क्या रात पड़ गई, अभी जाने में अच्छा आता है। हां हां नहीं इधर भी रहेगी, इधर भी है। ये मेरे पीछे भी तीन हटरी सी हैं, यहां हटरी हटरी हैं, देखते जाओ इनको। उनको लगा जब वो हम आए थे हमारे पास एक फाइल थी, ये ऑर्डर ऑर्डर करने गर्मी लगने लगी, चलते चलते ट्रेन के भी हम अच्छे से कपड़े ही आए थे भाई। लाल किला, लाल किला भाई ये भी ऐसे बना हुआ है उस महल की तरह ही, देख आगे से उसकी तरह ही है। ये लाल है, वो थोड़ा सा अलग कलर में था। ये ऐसे यहाँ दो दरवाजे से ऐसे बनाए हुए हैं, और ये है जिसके किनारे को छोटा करके ये बनाया है नदी। गर्मी में ज़्यादा अच्छा लगेगा इधर आओ ना, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। ये भी है। हाँ ये वो दूसरी साइड, हाँ वेस्ट, वो वेस्ट है ये ईस्ट है, एक ही साइड घूम पाते हैं एक दिन में। 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का साइड है जाना और फिर वापस भी आना। ये भी किए आगे से पता चलेगा क्या बना हुआ, होटल ही टाइप हो, म्यूजियम या होटल। ऐसे गाड़ी लेकर भी घूम सकते हैं ये हर जगह ना, यही ये क्या है CRF का। तो इसके संग मेरी फोटो खींच दे। तू मैं घुसना है अगर बाई चांस ये सच्ची में जागृत हो जाए। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। ये नयापुरा घाट, चंबल माता घाट। ये देखो जेल की दीवारों पे फोटो खिंचा रही, किले की दीवारों पे। है कहाँ सारी ये चीजें हैं, कौन कौन सी है भाई, नयापुरा घाट, चंबल माता घाट, सिंह घाट, मुकुट महल, साहित्य घाट, कोटा फाउंटेन, फवारा चौक और रंगमंच। चलो अभी तो काम चल रहा है, फिर भी इसमें इतनी हटरियाँ हैं, कब तक फोटो खिंचाएंगे इसमें। चलो फोटो खिंचाते हैं। आप लोग देख रही है चंबल माता की मूर्ति साफ। देखिए आगे ये ऊंट की लाइन है, हाथी नहीं है। ये सब ऊंटों की लाइन है भाई, सुंदर लग रहा है। ओहो आधे ऊँट इधर आ रहे हैं, आधे ऊँट इधर आ रहे हैं, ये अच्छे लग रहा है देख। और क्या प्यारा लग रहा है। सही पकड़े हैं।
बिल्कुल सूरज ऊपर और ऊंट चलते आ रहे हैं। बोटिंग भी कर रहे हैं यहाँ तो लोग। चलो अपन भी बोटिंग में बैठ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। वो क्या है, ताजमहल जैसा? ताजमहल है यहाँ पर क्या, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आगे अच्छा, सबका ये बनाए हुए हैं और वर्ल्ड वर्ल्ड मैप का वो लगा रहा, ग्लोब लगा रहा। अच्छा अच्छा, इस्तांबुल हाँ, चलो उधर ही चल रहा है उस साइड। अच्छा उस साइड में बनाया, वो वेस्ट साइड है। हाँ वेस्ट साइड में बनाया, ये भी अच्छा है, यहाँ काफी चीजें बना रखी हैं। यहाँ फोटो खिंचाओ ना तो ऐसे लगेगा कहीं और ही खड़े हैं, कहीं बाहर है ना। ये देखिए इस्तांबुल में खड़े हैं ये सब, फिर जाएंगे आगरा ताजमहल में। इसको मस्जिद का डिजाइन दिया है, सब चीज बना। हाँ हाँ, ये सारे ना राशियों के वो बना रखे हैं। हाँ स्कॉर्पियो, ये वो इतने में जो पैदा हुए हैं उनकी वो है, ऐसा है क्या? हाँ इतनी डेट में जो पैदा हुए हैं वो इस राशि के होंगे। लिब्रा है मेरी। हाँ तो ये है मेरी राशि। ए सुन, ए मेरी राशि में मेरी फोटो खींच, मेरी राशि पे। इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या है, जेमिनी। यहाँ ये बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं पर हमें समझ में ही नहीं आ रहे थे कौन क्या है, क्योंकि सब एक ही जैसे लग रहे थे, कुछ बाहर के लग रहे थे, कुछ यहाँ के लग रहे थे, तो अंदाजा नहीं हो रहा कि ये है क्या क्या। बहुत सारे अब जैसे ये समझ में आ रहा है ये साउथ टेम्पल है, कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आ रही थी, बाकी कुछ समझ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। कुछ क्रिश्चियन के बहुत सारे बनाए हुए हैं और ये कुछ लग रहा था इस्तांबुल जैसा, कुछ लग रहा था दिल्ली के लाल किला जैसा। और ये जो आगे आप देख रहे हो ये क्या बोलते हैं उसके, मॉनेस्ट्री, कोई जैपनीज, कुछ चाइना जैसे। आप समझ, किसी पर कुछ लिखा होता तो पता चलता ये है क्या है, शायद लिखेंगे, अभी काम चल ही रहा है इस पर तो। लेकिन जो भी था बहुत ही खूबसूरत था। इन लोगों के साथ ऐसा लग रहा भारी आए हुए हैं कहीं लग नहीं रहा जी, हम कोटा में हैं, हम सारी दुनिया को एक साथ घूम रहे हैं। बुद्धिस्ट का है डांस। ये भाई सारे वर्ल्ड के फ्लैग हैं, सारे नहीं है अभी कुछ रह गए, ज्यादातर जगह के अलग अलग कंट्री के हैं। अभी तो गिरे हुए हैं, सब समझ में नहीं आ रही गिरे हुए तो वो फैला रहे थे होते तो दिखते। हाँ ये भी कुछ, हाँ इंडिया की जगह वो बता रहे थे, सारी जगह इंडिया में ही है कहीं ना कहीं ये। हाँ ये शिलोंग विलोंग की तरफ ऐसे होते हैं, हाँ उधर ही होते हैं। यहाँ फोटो बहुत अच्छी आएगी, चलो यहाँ खिंचाते हैं। ये पता राजस्थान का है कुछ, देख है ना वो। हाँ वो कौन ने सर काट दिया था, अरे ध्यान नहीं आ रही, पता नहीं ये लिखा नहीं है ना यहाँ पे, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ कितना अच्छा लग रहा है। हांडी रानी है ये, हांडी रानी सर काट के दे दिया था इन्होंने ना, ये है हांडी रानी। तो इनसे बहुत ज्यादा प्यार था। किन से, ये जो खड़े हैं इनके? ये है। अच्छा ये युद्ध पे लड़ने गए थे तो अपना, तो ये इनको साथ नहीं, मतलब हमेशा साथ रहते थे इनके। हाँ। ये साथ नहीं छोड़ते थे इनका। हाँ। फिर क्या हुआ, ये युद्ध पे गए ना तो ये लड़ नहीं पा रहे थे,
तो फिर इन्होंने इसी ने इनको बोला कि वो आपकी वजह से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये इन्होंने इनका सिर काट के दे दिया कि ये इनके सामने रहे और फिर इस वजह से। भैया कितनी बड़ी बात है, ये देखो जी दो हाथी दौड़ रहे हैं ऊपर। अब राजस्थानी कल्चर आ गया। हाँ राजस्थानी है सारा, ये सारे राजस्थान के अलग अलग जगहों के हैं, अलग अलग जगह जोधपुर और इन सब के अलग अलग बनाए हुए, अलग अलग गेट बना के बड़े बड़े। पता इसी से आप फिट हो जाओ और ज्यादा। ये पूरा राजस्थान का यहाँ भैया कल्चर है, अभी धीरे धीरे लिख रहा है क्योंकि काम चल रहा है ना। हाँ ये भी कितना प्यारा बनाया हुआ है।